गाइस अब हमारा बोल्ट खुल गया। अब सिंपली इसको इस तरीके से, अब देखिए ये बाहर आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको बाहर कर दिया। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो गाइस इस बुलेट के अंदर क्या प्रॉब्लम है वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि हम पीछे से इस तरीके से दबाएंगे तो पीछे से खट खट की साउंड आती है, और जैसे ही ब्रेक मारते हैं तो बबलिंग करता है, यानी कि पहिया को एक साइड खींचता है। तो आप यहाँ पर देखिए इस तरीके से बुश ये हिल रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए दोनों साइड से जो है यहीं से खट खट की साउंड आती है। इस तरीके से अगर साउंड आए तो किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए, चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें क्या करना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा। इसको खोलने के लिए गाइस सबसे पहले जो है ये वाला एलंकी वाला बोल्ट, इसको ओपन कर लेना है। देखिए इस तरीके से ओपन कर दिए। उसके बाद गाइस यहाँ पर देखिए 12 नंबर का बोल्ट है, इसको भी इस तरीके से ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक 12 का है, इसको भी खोलना पड़ेगा। इसको भी हम खोल देंगे इस तरीके से। उसके बाद नीचे वाला भी खोलना पड़ेगा, इस तरीके से खोल देंगे इसको। बोल्ट को खोलना पड़ेगा तभी निकलेगा। गाइस अब हमारा बोल्ट खुल गया। अब सिंपली इसको इस तरीके से बाहर निकाल लेना है, पीछे वाला कैरियर को। अब जो है गाइस इसको इसलिए खोलना पड़ता है, ये सॉकर का बोल्ट ऐसे निकलता नहीं है। अब हम इसे खोल लेंगे, ठीक है। इसको इस तरीके से निकाल लेना है। यहाँ पर एक सॉकेट है बैक लाइट का, इसको हटा देना है। अब देखिए ये बाहर आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको बाहर कर दिया। अब प्रॉपर तरीके से ये आसानी से सॉकर निकलेगा। ये बोल्ट की वजह से हमें पूरा खोलना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा सॉकर बाहर आ गया। देखिए कि इसके अंदर जो है दोनों का बुश कटा हुआ है, यानी कि आप देखिए यहाँ पर एक चीज क्या है, प्ले हो गया, ठीक है ना। ये क्या करता है, खटखट के साउंड करती है और एक साइड खींच लेता है, यानी कि चारों बुश जो है इसका खत्म है। चारों बुश को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम फटाफट इसे ओपन कर लेते हैं, इस तरीके से बाहर कर देंगे बुश को। ये होता है बुश, ठीक है। देखिए आप पूरा का पूरा ये जो है कटा हुआ है। हमने जो है चारों को बूस्ट को निकाल दिया बाहर, ठीक है। अब इसमें नया इंस्टॉल करेंगे। इसको क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से पहले डाल देना है, बाद में लोहा वाला लगाना है। अब जो है गाइस चारों के अंदर रबड़ मैंने पहना दिया है। अब जो है ये चार बूस्ट लोहा वाला लगेगा, ठीक है ना। इसको अब एडजस्ट कर देना है।
गाइस अब आप देखिए यहाँ पर ये चीज़ जो है ज़रा सा भी अब नहीं हिलेगा। अब देखिए जब हम इस तरीके से दबा रहे हैं तो ज़रा सा भी खटखट की साउंड नहीं आ रहा है देखिए, और ये ज़रा सा भी सॉकर जो है अप एंड डाउन अब नहीं कर रहा है देखिए, है ना। अब जो है काफ़ी अच्छा हो गया। इसी तरीके से आपको करना है, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल जुगाड़ है और आसानी से आप बुश लगा सकते हैं। आपको सिर्फ ध्यान इतना देना है कि इस गाड़ी में स्प्लेंडर बाइक का नहीं लगेगा, बुलेट का ही लगेगा सॉकर बुश। अगर आप लगाते हैं दूसरी गाड़ी का तो नहीं लगेगा। और आप देखिए यहाँ पर कितना बुरी तरीके से ऑयल सील कटा हुआ था, तो अब बहुत ही अच्छा हो गया। इसी तरीके से करना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।